वहीं यूपी चुनाव में मिली हार के बाद आज अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने हार पर समीक्षा की, लेकिन इस दौरान एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही कलह सामने आ गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव नदारद रहे, जिसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यूपी चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और किरणमय नंदा सरीखे कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। इन नेताओं के शामिल न होने से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। वहीं बैठक के बाद सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि 30 सितंबर तक पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया गया था, उसी तरीके से इस बार भी सदस्य बनाने का कार्यक्रम चलेगा। वहीं तमाम चुनाव प्रदेश स्तर के, डिस्ट्रिक्ट स्तर के और 30 सितंबर से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव का कार्यक्रम तय होकर के संपन्न हो जाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने न सिर्फ सरकार के स्वच्छता अभियान पर तंज कसा, अफसरों पर भी गुस्सा उतारा। अभी तो केवल झाड़ू लग रहा है, मुझे नहीं पता था कि अधिकारी इतना अच्छा झाड़ू लगाते हैं। अगर ये जानकारी हमें होती कि अधिकारी झाड़ू लगाते हैं बहुत अच्छा, तो झाड़ू बहुत लगवाया जाता उनसे। मैं कह रहा हूँ कि हिमांशु कुमार आईपीएस हैं, विभागीय अगर कार्रवाई हुई है और सस्पेंड हुए, तो मैं तो ये कहता हूँ इस बात को कि पहले गवर्नर साहब ने भी एक बार उठाया था सवाल कि एक ही जात के लोग सब बैठे हैं, अब तो सरकार हमारी नहीं है और एक ही जाति के लोग सस्पेंड हो रहे हैं। कुछ सिपाही ऐसे भी लोग हैं जो आंखों से बता दे रहे हैं कि रोमियो कौन है, हमसे एक साल बड़े हैं, ये तो बीच वाली उम्र हुई। और फिर हम तो ये कहते हैं कि काम में बहुत पीछे हो। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 47 सीटें और 21.8% वोट मिले हैं, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 224 सीटें और 29.13% वोट मिले थे। ऐसे में अब पार्टी की नजर 2019 पर है। अमिता पारुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।